एक महिला अपने बच्चे को खूब मार रही थी। तभी उसके पति ने कहा कि बच्चे को इतना क्यों मार रही हो? पत्नी ने कहा कि इससे कह रही हूँ कि पढ़ाई मन लगाकर कर ले, तभी अच्छी बीवी मिलेगी। तो ये कहता है कि पापा भी तो खूब पढ़े लिखे थे। अभी पिछले दिनों पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण दिवस के दिन एक सरपंच साहब ने पौधा लगाया। दोपहर में उसे बकरा खा गया। शाम को सरपंच साहब बकरे को खा गए। इसे कहते हैं पर्यावरण संतुलन। भाई साहब, होम्योपैथिक दवा खाने का भी अपना ही मजा है। चार गोली निकालो तो छह निकल जाती है और दो वापस डालो तो चार चली जाती है। इस खेल में बीमारी से ध्यान हट जाता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि अगर नारियल के पेड़ पर चढ़ जाऊं तो क्या इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियां दिख जाएंगी? दूसरा दोस्त बोला, हाँ भाई बिल्कुल दिख जाएंगी, और अगर हाथ छोड़ दोगे तो मेडिकल कॉलेज की भी दिख जाएंगी। एक लड़की ने लड़के से कहा कि कल मैं तुम्हारे लिए राखी लेकर आई थी, तुमने क्यों नहीं बंधवाई? लड़का बोला, कैसी बात कर रही हो, अगर मैं तुम्हारे लिए कल मंगलसूत्र लाऊं तो बंधवा लोगी? एक दिन एक पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति बोला, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उसके बारे में क्या ख्याल है? पति बोला, कह तो रहा हूँ, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। दुनिया की हर पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पर मरे। जब मरता है तो बोलती है, कहीं और जाकर मरो, और जब कहीं और जाकर मरता है तो बोलती है, कहाँ मर गए थे। आजकल के लोग तो कमाल के ही हो गए हैं। एक डॉक्टर साहब ने बोला, ये मरीज मर चुका है। तभी मरीज बोल पड़ा, मैं तो जिंदा हूँ। मरीज की पत्नी बोली, तुम चुप रहो जी, हमेशा अपनी चलाते हो, इतना बड़ा डॉक्टर क्या झूठ बोलेगा। एक पति पत्नी भरे हुए बस में यात्रा कर रहे थे। पति देव एक सुंदर औरत से बस में सटकर खड़े हुए थे। स्वाभाविक रूप से ये देखकर पत्नी जल रही थी। अचानक वो सुंदर औरत घूमी और आदमी के गाल पर एक तमाचा मारा। शर्म नहीं आई पराई औरत को चिकोटी काटते हुए? बस से उतरकर पति पत्नी को सफाई देने लगा कि उसने चिकोटी नहीं काटी थी। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, और चिपको, चिकोटी मैंने काटी थी। एक राजस्थानी बीवी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी तो पति कमरे में बैठा था। बीवी बोली, थोड़ा सरक जियो। पति उठकर बरामदे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बरामदे में आ गई, बोली, थोड़ा सरक जियो। पति उठकर आंगन में आ गया। थोड़ी देर बाद वो भी आंगन में आ गई, बोली, थोड़ा सरक जियो। पति चुपचाप घर से बाहर निकला और तीन चार दिन तक कहीं चला गया। पति का कुछ अता पता नहीं चला। पत्नी परेशान हो गई। पांचवें दिन पति ने फोन किया कि मैं जोधपुर में हूं और सरकू के। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि भाई, जब लड़की देखने गया था तो उसकी आवाज रेडियो से भी हल्की थी, शादी के बाद न जाने कौन सा बूफर लग गया। अभी पिछले दिनों एक लड़की ने मुझसे कहा, मेला बाबू, मेला बेबी, मेला स्वीटू, मेले से शादी करेगा मेला बच्चा? मैंने कहा, बहन पहले तो ये बताओ, प्रपोज कर रही हो या गोद ले रही हो? हमारे यूपी के बच्चे भी कमाल के होते हैं। एक बार पांच लड़के एक ही बाइक पर बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रुकने का इशारा किया। एक लड़का चलती बाइक से बोला, पागल हो गई बड़ा का, तू कहां बैठवा। रिसाइकलिंग का सही अर्थ मैं बताता हूँ। साइकिल चला के पैर दुखे तो बाइक लो, बाइक चला के पीठ दुखे तो कार लाए, कार चलाकर पेट निकला तो जिम ज्वाइन की, और जिम में वापस जाकर साइकिल चलाया। इसे कहते हैं रीसाइकलिंग। दिल में
एक पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फोन करता है। एक दिन सासू जी बोलती हैं, कितनी बार कहा है कि वो अब तुम्हारे घर नहीं जाएगी, फिर क्यों रोज फोन करते हो? दामाद बोला, यही सुनकर अच्छा लगता है इसलिए। कुछ लड़कों की शिकायत है कि जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को सोना बाबू कहती हैं, वो कम से कम उन्हें लोहा पीतल ही कह दिया करें। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि भाई अंग्रेजी सीखना बहुत मुश्किल है। उसने कहा, भाई अंग्रेजी सिर्फ सीखने में मुश्किल है, पीने में बहुत आसान है, और अगर एक बार पी ली फिर बोलने में और भी आसान है। भाई वो जमाने गए जब पुराने जमाने की औरतें राज सीने में लेकर मर जाती थी, आज की औरत स्टेटस लगाकर पूरी दुनिया को बताती हैं। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। उसके ढोल के दोनों तरफ महिला की फोटो लगी हुई थी। ये देखकर एक बुजुर्ग ने कहा, लगता है तुम सुंदरता के पुजारी हो। ढोल वाला बोला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं है, एक तरफ मेरी सास का फोटो है और दूसरी तरफ तो आप समझ गए होंगे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि भाई चाय पीना लाभदायक है या हानिकारक? उसने कहा, भाई पीने को मिले तो लाभदायक और पिलानी पड़े तो हानिकारक। आजकल की महिलाएं भी कमाल की हो गई हैं। एक महिला फल वाले से अंग्रेजी में फल मांग रही थी, गिव मी सम डिस्ट्रॉयड हस्बैंड। एक घंटा फल वाले को समझने में लगा कि बेचारी नाशपति मांग रही है। केवल हम आप परेशान नहीं है, जंगल में जानवर भी परेशान हैं। एक भैंस जंगल में घबराई हुई भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, जंगल में हाथी को पकड़ने के लिए पुलिस आई हुई है। चूहा बोला, तो तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो हाथी नहीं हो। भैंस बोला, अरे भैया पकड़े गए तो 20 साल ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूं।